E20 फ्यूल का आपको इसके अंदर सपोर्ट देखने को मिलता है, TVS का लोगो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरे सामने खड़ी हुई है आपकी TVS की रॉनिन, और ये जो आपका 2023 वेरिएंट है, तो देख सकते हैं E20 फ्यूल वाली हमारे सामने TVS रॉनिन खड़ी हुई है, और ये जो है आपका टॉप वेरिएंट है, एंड ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द लाइन आपका जो है वेरिएंट हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम जो है इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, सारी चीजों को जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। और अभी मैं आया हूँ आपका रिशान TVS पे, जो कि आपका वाघोली में पुणे में स्पेशल थैंक्स सुनंद जिन्होंने मेरे को ये बाइक प्रोवाइड करी और आप तक जो है मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुंचा पा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसके आगे के लुक से और चाबी से। चाबी की बात करी जाए तो कुछ इस तरीके की चाबी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। टी डिनोट कर रहा है इसमें TVS को, और चाबी पे भी आपको टी डिनोट करता हुआ देखने को मिल जाता है। तो मैं चाबी को वापस लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो यहाँ पे आपकी जो DRL है वो ऑन हो गई। ये जो है आपका पूरा हेलो पूरा LED लाइट का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऑरेंज कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। गोल्डन कलर से यहाँ पे आपको जो है USD फोक्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ब्लैक कलर के डायमंड कट टाइप वाले यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स ऑफर करे गए हैं। अगर मैं टायर साइज की बात करूँ तो यहाँ पे जो आपको टायर साइज देखने को मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपका 110/70/17 इंच का यहाँ पे आपको टायर देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके मडगार्ड की बात करूँ तो इसका जो मडगार्ड है वो आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर फाइबर का आपको यहाँ पे मडगार्ड देखने को मिल रहा है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का मडगार्ड आपको ऑफर किया गया है। ABS की रिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको जो है ट्यूबलेस टायर TVS कंपनी के ही। आगे की डिस्क की साइज की बात करी जाए तो 300mm की आपको आगे की डिस्क का साइज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर रिफ्लेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे कहीं भी आपको रिफ्लेक्टर नहीं मिलने वाला है, USD फोक्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करूँ मैं इसके इंजन की तो 225cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। उसकी अगर पावर फिगर्स की बात करें तो 20 BHP और 19 Nm का टॉर्क आपको यहाँ ऑफर किया गया। अगर गियरिंग पैटर्न की बात करी जाए तो 5 स्पीड का मैनुअल गियर ट्रांसमिशन आपको यहाँ ऑफर देखने करा गया है TVS के द्वारा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक बेली पैन, इंजन बेली पैन आपको यहाँ ऑफर किया गया है। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड में किल स्विच वाला फीचर भी देखने को मिलेगा। मेन स्टैंड आपको यहाँ ऑफर किया गया है। लेग गार्ड की बात करें तो कुछ इस तरीके से लेग गार्ड आपको देखने को मिलेगा आते हैं साइड में। तो यहाँ पे आपको TVS का इस तरीके से बढ़िया सा लोगो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे फुटरेस्ट, गियर लीवर आपका कुछ इस तरीके का रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिल्वर से कुछ इस तरीके के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। रॉनिन आपका यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। सीट खोलने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, चाबी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सारी गार्ड आपका इस तरीके से यहाँ पे लगाया गया है। पीछे की अगर आप चेंज पॉकेट देखेंगे तो कितना बड़ा चेंज पॉकेट आपको ऑफर किया है, ठीक है। ये जो है टॉर्क को मैनेज करने के लिए इतना बड़ा लगाया जाता है। उसके बाद ये जो है आपका चेन एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। मोनोशॉक एब्जॉर्बर आपको यहाँ ऑफर किया गया है। बात करें अगर हॉर्न की तो इसमें आपको सिंगल टोन हॉर्न ऑफर करा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडिएटर, जो कि आपका एयर कूल्ड यहाँ पे आपको इंजन को रखने वाला है, ठीक है। थोड़े बहुत यहाँ पे आपको डैम्स वगैरह देखने को मिलेंगे, फेक डैम्स आपको यहाँ ऑफर किए गए हैं, ठीक है। आते हैं पीछे की तरफ तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे आपको पीछे के लुक्स देखने को मिलेंगे। LED लाइट का पूरा सेटअप है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स जो है फ्लेक्सिबल हल्के से रहने वाले हैं। TVS का यहाँ पे आपको एक 3D में लोगो देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपके नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, ये है आपके रिफ्लेक्टर, नीचे आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। देखिए टायर साइज की बात करें तो वो मिलेगा आपको 130/70/17 इंच का पीछे भी आपको टायर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर पीछे की डिस्क ब्रेक की साइज की बात करी जाए तो 240mm यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। दोनों ही आगे और पीछे आपको डुअल चैनल ABS ऑफर किया जाता है। दोनों ही टायर्स में आपको ABS ऑफर किया गया है। एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट आप कुछ देख सकते हैं, इतना दमदार से लुक वाला एग्जॉस्ट आपको ऑफर किया जाता है। रॉनिन का लोगो। पीछे के ब्रेक के रिजर्वायर आपको यहाँ मिलेगा। ब्रेक के कंट्रोल्स आपको यहाँ रहने वाले हैं। यहाँ पे तब प्यारा सा एक आपको गार्ड टाइप का देखने को मिल जा रहा है। TVS यहाँ पे आपको 3D में इंजन पे लिखा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लच की वायर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। कैटलिटिक कन्वर्टर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर बात करूँ मैं इसमें आपके O2 सेंसर की तो O2 सेंसर आपका ऊपर की तरफ यहाँ पे लगा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ऊपर की तरफ आते हैं तो कुछ इस तरह की कंफर्टेबल सीट आपको ऑफर करी गई है। बहुत ही चौड़ी सीट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। पीछे की तरफ भी आपको अच्छी चौड़ी सीट देखने को मिलेगी। पकड़ने के लिए आपको एक इस तरीके का स्ट्रैप भी देखने को मिलेगा। ग्रैब हैंडल की बात करें तो बहुत ही तगड़ा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। E20 फ्यूल का आपको इसके अंदर सपोर्ट देखने को मिलता है। TVS का लोगो, उड़ता हुआ घोड़ा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 14 लीटर का फ्यूल टैंक आपको यहाँ ऑफर किया गया है। टैंक जो आपका डुअल कलर में रहने वाला है, ब्लैक और ऑरेंज इस तरीके से, ठीक है। अगर हैंडल बार की बात करें तो इस तरीके का हैंडल बार आपको यहाँ ऑफर करा गया है।
अगर मैं इसके माइलेज की बात करूं तो 42 kmpl का यहां पे आपको माइलेज देखने को मिलने वाला है। टॉप स्पीड की बात करूं तो 120 किलोमीटर पर आवर की यहां पे आपको टॉप स्पीड देखने को मिलने वाली है। यहां पे अगर आप देखेंगे OAVMs को तो कुछ इस तरीके के OAVMs आपको ऑफर करे गए हैं, बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसकी लिवर्स की बात करूँ, ब्रेक और क्लच लिवर दोनों ही आपको जो है एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल आपको गियर ब्रेक लिवर्स आपको ऑफर करेगा है। अगर इसका कंसोल की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है न्यूट्रल का गियर पोजीशन इंडिकेटर, यानी आपको इसके अंदर गियर पोजीशन इंडिकेटर, उसके बाद ट्रिप ए यहाँ पे आपको मिलेगा, ऊपर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, टाइम, उसके बाद यहाँ पे आपकी कितने किलोमीटर चल चुकी है वो, उसके बाद डिजिटल फ्यूल मीटर देखने को मिलेगा, न्यूट्रल की लाइट, चेक इंजन लाइट, यहाँ पे आपका जो है इंडिकेटर की लाइट देखने को मिलेगी, हाई बीम की लाइट देखने को मिल जाती है, उसके बाद आपका सर्विस रिमाइंडर देखने को मिलता है, साइड स्टैंड वार्निंग, ABS की लाइट, फिर से एक आपका इंडिकेटर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी बहुत सारी वार्निंग देखने को मिलेंगी, लो फ्यूल की भी वार्निंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। TVS का लोगो देखने को मिलेगा, दो बटन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जिससे आप यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, DTE आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, ओडोमीटर देखने को मिल जाता है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर आपको और कुछ देखना है तो आप यहाँ से बटन दबा के इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको दो मोड देखने को मिलते हैं, एक मिलता है आपको अर्बन मोड और दूसरा मिलता है आपको रेन मोड, दोनों ही मोड पर अलग अलग सेटिंग्स पर यहाँ पे आपको ABS देखने को मिलेगा। अगर बात करूँ मैं इसके स्विचेस की तो यहाँ पे पास का बटन, उसके बाद हाई बीम, लो बीम का स्विच, उसके बाद इंडिकेटर के बटन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। हॉर्न की बात करें, सिंगल टोन हॉर्न आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया है। लेवल्स में आपको जो है 3 लेवल तक की यहाँ पे एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस तरीके से आप जो है लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। केल स्विच ऑफर किया गया है, यहाँ पे आपको हैजार्ड लाइट वाला फंक्शन भी देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ इसके स्टार्ट में तो यहाँ पे आपको एक सेकंड यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने इसका बटन दबा रहा हूँ, किल स्विच वाला फीचर आपको यहाँ मिलता है, यानी कि अगर सेफ्टी फीचर है, अगर स्टैंड लगा होगा तो आपकी स्कूटर जो गाड़ी है वो चालू नहीं होती है बिल्कुल। इसके अंदर आपका जो है साइलेंट स्टार्ट वाला फीचर भी देखने को मिल रहा है, देखिए अब बिल्कुल साइलेंटली वो स्टार्ट हो चुकी है। अब आवाज़ सुनिए आप, आपको यहाँ पे आवाज़ देखने को मिल जाती है, बहुत ही दमदार आवाज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। एक बार आप इसके पूरे लुक्स चेकआउट करिए, ये देखिए कुछ इस तरीके के लुक्स आपको यहाँ ऑफर करे गए हैं, ये देखिए कितने प्यारे लुक्स हैं। यहाँ पे पूरा LED लाइट का सेटअप, पीछे भी आपका जो है पूरा LED लाइट का सेटअप है, देखिए बहुत ही प्यारे लुक्स हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, प्राइसिंग क्या रहने वाली है। तो अभी मैं हूँ आपका पुणे में, महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे जो इसकी एक शोरूम कॉस्ट है वो है आपकी 172,000 रुपये, 1,72,000 रुपीज़ जो है इसकी एक शोरूम कॉस्ट है। वहीं अगर मैं इसकी ऑन रोड कॉस्ट की बात करूँ महाराष्ट्र में पुणे पे, और अभी मैं आपका रिशान TVS स्पेशल थैंक्स टू देम, तो ये यहाँ पे ऑन रोड कॉस्ट करती है आपकी 208,000 रुपये की, 208,000 रुपीज़ जो है इसकी ऑन रोड कॉस्ट है पुणे में महाराष्ट्र। तो कैसी लगी बाइक, कैसी लगी वीडियो, मेरे को कमेंट से जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बाइक या गाड़ी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ये सामने हमारे सामने खड़ी हुई है लाल कलर की स्विफ्ट, कितनी प्यारी लग रही है ये भी देखो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।